And it was something different that I saw in the current movies, and I really liked Rani Mukherjee's acting and the entire role of a mother that one has in its life. So yeah, it was a really heart touching movie, and everybody should watch it once. The story was really good, and the fact that she kept fighting for her children was something that, you know, I resonate. I can say that as a daughter, you know, every mother would do that for their children. Sir, how was the movie? आपने भी देखी, what would you like to say? Excellent, excellent, and it should be internationally given publicity, which blames India. This corruption and all this what you call it lafdebazi jo chalti hai India mein, ye sab chor hai aur ye log bhi ek kuch kamti. This is nothing, I mean any small matter. Running an institute and this selling the child, you have to just say, give publicity internationally that India is not a bad country. Other countries in the world are also bad. Okay. Don't please blame only India. Let me speak. When he asks, let me speak. Okay. I am free to express. I am very much against, and I heard about it long back. Long back. Direction. Yeah. Direction. Lastly, how many stars would you like? Absolutely, excellent picture. Yes. No need to give star to anybody for all. How many stars would you like? It was definitely a 5, because this, like I said, it's a very fresh story, and it's not just like any other entertainment movie. It's a true story, so it was a great movie. Rani Mukherjee superb. He has. Yeah, yeah. Rani Mukherjee superb. 5 star. देखिए, ये मूवी का बहुत टाइम से इंतजार हो रहा था, क्योंकि ये ट्रू इवेंट्स के ऊपर बेस्ड स्टोरी है. ये मूवी का बहुत टाइम से इंतज़ार हो रहा था, क्योंकि ये ट्रू इवेंट्स के बेस्ड के ऊपर बेस्ड स्टोरी है. सागरिका चक्रवर्ती, जिनकी ये एक रियल लाइफ स्टोरी है कि कैसे नॉर्वे में उनके बच्चों की कस्टडी ले ली गई, और उनको उसके लिए कितना लीगल ऑप्शंस अडॉप्ट करने पड़े, कितना कोर्ट केस फाइल करने पड़े, और कितना संघर्ष करना पड़ा अपने बच्चों की कस्टडी वापस लेने के लिए. तो एक माँ की कहानी है, और माँ कभी हारती नहीं है. तो ये माँ की कहानी है कि कैसे वो जीतती है, वो सर्कमस्टांसेस में गिव अप नहीं करती. बहुत सारे ऐसे संघर्ष उनकी जीवन में दिखाया है, बट बच्चों के लिए माँ हर शक्ति से लड़ जाती है, ये मूवी में दिखाया है. तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट रोल ऑफ रानी मुखर्जी ऑफ हकरिया, आई थिंक दी बेस्ट, क्योंकि अभी वो एक माँ भी है. और असीमा चीबा जो इसकी डायरेक्टर है, उनको मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा वेल क्राफ्टेड मूवी, वेल एग्जीक्यूटेड, वेल डायरेक्टेड, और एडिटिंग भी इसकी बिल्कुल क्रिस्प है. नम्रता राव की, जिन्होंने बैंड बाजा बारात, कहानी, इश्किया जैसी मूवी एडिट की हैं, कहीं भी स्ट्रेच नहीं किया. 2 घंटे 20-25 मिनट की मूवी है, बहुत अच्छी है. म्यूज़िक बहुत अच्छा, अमित त्रिवेदी का शुभ शुभ गाना आपके जहन में बच जाएगा. और सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी, अलवर नुई की, कुई की. और जैसे मैंने कहा कि मूवी की स्टोरी आपको बांध के रखेगी, यू विल बी एबल टू रिलेट टू द स्टोरी. आप बीच में रोएंगे, इमोशनल होंगे, क्योंकि एक माँ का संघर्ष दिखाया अपने बच्चों के लिए. और नॉर्वे के रूल्स और यहाँ के रूल्स अलग हैं. अभी आई ऑल्सो ट्रैवल टू US, कैनेडा, वहाँ पर अगर आप बच्चों को टच भी कर देंगे तो शायद नेबर्स ही कंप्लेंट कर दे. तो नॉर्वे में भी ये रूल्स है कि आप बच्चों को हाथ से खाना नहीं खिला सकते, फोक नाइफ यूज़ करना पड़ता है, काला टिक्का नहीं लगा सकते, या डांट फटका नहीं सकते. इंडियन माँ बाप को और नॉर्वे के जो रूल्स हैं वो मेल नहीं खाते. तो वही ये मूवी में दिखाया गया है कि वहाँ का जो फिर कैसे लीगल फ्रेमवर्क वो यूज़ करती है रानी मुखर्जी, एंड टू विन द कस्टडी, और इंडिया में भी आके केस लड़ती हैं. तो वो बहुत ही एक औरत की एक अद्भुत कहानी है, सागरिका चक्रवर्ती, जिनकी रियल लाइफ स्टोरी है ये, उसके ऊपर ये मूवी. काफ़ी सारी बातें थी सीखने को, पर सबसे टॉप बातें क्या सीखने को जो लोग हमेशा अपने साथ रखेंगे उस चीज़? एक तो ये कि माँ की कभी हार नहीं होती, माँ हमेशा जीतती है कैसे भी सर्कमस्टांसेस. अपने बच्चे के लिए जो माँ और बच्चे का बॉन्ड है राइट फ्रॉम द अम्बिकल कॉर्ड, वो एक अद्भुत रिश्ता बन जाता है. तो वो माँ कभी हार नहीं सकती, हार के भी जीत जाती है.
नंबर वन. नंबर टू, नेवर गिव अप वॉट एवर द सर्कमस्टांसेस. अगर आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं तो आपकी हार नहीं होगी. शायद आपको टाइम लग जाए, चाहे आपके आपको बहुत सारे कभी कभी सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ता है. निर्भया का केस देख लीजिए कि कितने साल लड़ना पड़ा, बट इवेंचुअली द पर्पेट्रेटर्स जो थे उनको सज़ा हुई. तो बहुत सारे ऐसे केस हैं जिनमें सालों तक कोर्ट केस चलते हैं. बट इफ़ यू स्टैंड बाय द ट्रुथ, यू डोंट गिव अप. और यही सागरिका चक्रवर्ती की रियल लाइफ स्टोरी है कि उन्होंने उनके ऊपर एक किताब भी, ऑटोबायोग्राफी. और यही मूवी नासिमा चिबर, शी हैज़ वेरी नाइसली इमोर्टलाइज्ड ऑन द सेलुलॉइड ऑल द ट्रू इवेंट्स विदाउट डिस्टॉर्टिंग एनी फैक्ट्स. जो है एज इट इज़, कैसे उन लॉस का नेगेटिव एटीट्यूड उसके पति का, कि उनको सिर्फ नॉर्वेजियन सिटीजनशिप चाहिए, ही इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट हिज चिल्ड्रेन. तो असल में एक माँ ही है जिसका एक सच्चा रिश्ता है अपने बच्चों के साथ. तो वो भी दिखाया कि लोग सेल्फिश हैं, मीन है, लेकिन माँ और बच्चे का जो रिश्ता है, वो जो बॉन्ड है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कोई दुनिया का कानून उसको नहीं ये कर सकता. एंड इन द एंड शी विंस द बैटल, शी इमर्जेस विक्टोरियस, एंड दैट इज़ वॉट इज शोन ऑन द मूवी. इन द मूवी सी रानी मुखर्जी को 5 foot 5, उनके पति का भी किरदार अनिर्बान बैनर्जी ने बहुत अच्छा निभाया. नीना गुप्ता जी का कैमियो उन्होंने बहुत अच्छा निभाया. और जिम सर्व एज अ लॉयर, ही इज़ वेरी कन्विंसिंग, बहुत ही कन्विक्शन के साथ उन्होंने अपना रोल निभाया. मूवी को मैं ओवरऑल 4 stars दूंगा, लेकिन रानी मुखर्जी जी को 5 out of 5.